हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लव यू गार्डनिंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये हरा भरा सा करी लीफ का प्लांट। ये प्लांट कम पेड़ ज़्यादा हो गया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट केयर टिप्स अबाउट करी लीफ प्लांट। तो अगर आप इसे ज़मीन में लगाना चाहते हैं, जैसे मेरा ये प्लांट लगा हुआ है, तो इसे क्या देखभाल की ज़रूरत है। और अगर आप इसे पॉट में लगाना चाहते हैं, जैसे ये एक छोटा सा करी लीफ का प्लांट मैंने पॉट में भी लगाया हुआ है, तो इसे क्या केयर की ज़रूरत है, आज हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये जो करी लीफ का प्लांट मैंने पॉट में लगाया हुआ है, ये मैंने इसकी कटिंग से ही लगाया हुआ है। मार्च के महीने में लगाया था जब इसमें फ्लावरिंग आ रही थी। तो इसने साइज़ तो एक्वायर कर लिया है, पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये बुशी नहीं हुआ है। तो पॉट में लगाए हुए प्लांट को बुशी कैसे बनाना है, इसका सीक्रेट भी आज मैं इसी वीडियो में रिवील करने वाली हूँ। तो वीडियो बीच में छोड़ के कोई नहीं जाएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। करी लीव्स की ग्रोथ का टाइम स्टार्ट होता है स्प्रिंग सीजन से। स्प्रिंग सीजन में लगभग सारे ही परमानेंट प्लांट ग्रोथ पिक करते हैं, और ये फ्लावरिंग भी उसी टाइम पर करता है। अभी ये फ्लावरिंग कर चुका है और इसके फ्लावर्स कन्वर्ट हो चुके हैं बेरीज में। कुछ बेरीज इसकी राइप भी हो गई हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है, और अगर हम इसे टच करके देखेंगे तो थोड़ी सी पल्पी हो गई हैं। और जब ये अपना आउटर कवर छोड़ देती हैं ऐसे देखिए, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सीड तैयार हो गया है। बारिश का सीज़न आ गया है, तो करी लीव्स के प्रोपिगेशन का सीज़न भी बस आ गया है। और उस टाइम ये जो राइप्ड बेरीज़ हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं करी लीव्स के प्रोपिगेशन के लिए बहुत अच्छे से। करी लीव्स का बायोलॉजिकल नेम है मुरैया कॉनेंजी, और ये रूटेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो अब हम एक एक करके इसके केयर टिप फैक्टर्स को पिक करेंगे और उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट हम ले तो आए हैं, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें उसे लगाना कहाँ है। हम उसे ज़मीन में लगाना चाहते हैं या फिर पॉट में लगाना चाहते हैं। तो अगर हम उसे ज़मीन में लगाना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिट्टी के साथ गुड़ाई कर लीजिए, और आप वहीं पर अपना प्लांट लगाइए। और यकीन मानिए, वो दिन दुगनी और रात चौगनी तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर आप अपने प्लांट को पॉट में लगाना चाहते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये एक करी लीफ का प्लांट पॉट में लगा हुआ है, तो जितने भी परमानेंट प्लांट्स होते हैं लगभग सबको ही वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। तो वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आप एक हिस्सा सॉइल, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा सैंड का मिक्स करके बना सकते हैं। कंपोस्ट के लिए आप काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास गार्डन वेस्ट कंपोस्ट हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसमें काउडंग कंपोस्ट यूज़ किया हुआ है। और एक मुट्ठी नीम खली, नीम खली डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीम खली एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है और उससे मिट्टी में फंगस या फिर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपना सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करिए, करी लीफ ज़रूर सर्वाइव करेगा। प्लांट लग गया है, तो अब देखना ये है कि हम उसे रखेंगे कहाँ। करी लीव्स का प्लांट इनडोर आउटडोर दोनों जगह चल जाता है। आप आउटडोर भी रख सकते हैं इसे धूप में, और इसको सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं, चल जाएगा। और आप अगर इसे इंडोर रखना चाहें तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। लेकिन इंडोर रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप इसे कहीं बंद रख दें जहाँ हवा ना आए, या अंधेरे में रख दें तो ये प्लांट नहीं चलेगा। इंडोर प्लांट्स का भी एक थंब रूल होता है कि उसे आपको हफ्ते में एक बार बाहर ज़रूर निकालना पड़ेगा। हमारा तीसरा केयर फैक्टर है वाटरिंग। इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, तो हमें उतनी ही वाटरिंग करनी है जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। इसे सॉगी बिल्कुल नहीं बनाना है। और वाटरिंग करने का थंब रूल वही है कि दो वाटरिंग के बीच में ड्राई सॉइल की पिक्चर आनी चाहिए, उसके बाद ही हमें इसे थॉरली वाटरिंग करनी है। और अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, अपने चौथे केयर फैक्टर, कि आपको इसे किस तरीके का फर्टिलाइज़र देना है। आप चाहे तो इसमें सीवीड या फिर बोन मील भी दे सकते हैं, मार्केट में प्रिपेयर्ड आता है, आपको बस उसे लेकर आना है और इसे दे देना है। लेकिन मैं पर्सनली इसे काउडंग कंपोस्ट देना ही पसंद करती हूँ, और रिज़ल्ट तो आप देख ही रहे हैं। और अब बारी आती है अपने आखिरी, पांचवे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, इंसेक्टिसाइड।
करी लीव्स को मीठी नीम भी बोलते हैं। स्वाद में ये लाजवाब तो होती हैं, साथ में इनकी खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। इंडियन किचन में स्पेशली ये तड़का देने के काम में आती हैं, जिससे टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तो इंसेक्ट का अटैक होना टुवर्ड दिस प्लांट तो लाजमी है। तो इस मीठी सी नीम पर कई बार चींटियाँ चढ़ जाती हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको बस इसे पानी से धो देना है अच्छे से और चींटियाँ हट जाएंगी। इसमें मिली बग्स का अटैक भी देखा जाता है, तो मिली बग्स को हटाने के लिए आपको लिक्विड सोप का सॉल्यूशन बना करके इसमें स्प्रे कर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें पूरा डिटेल वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। करी लीव्स में एक प्रॉब्लम और देखी गई है, वो ये कि इसके पत्ते कीड़े खा लेते हैं ऐसे। तो इसके लिए आपको राख का यूज़ करना है, राख जो वुड ऐश होती है उसके पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है पूरे प्लांट के ऊपर, उससे इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और पत्ते नहीं खाएंगे। अच्छा, एक काम आपको और भी करना है कि जो राख का पाउडर है उसे आपको महीने में एक बार इसकी मिट्टी में मिक्स कर देना है वाटरिंग देते टाइम पर। उससे क्या होता है, राख से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, पूरा ग्रीन कलर आता है और इंसेक्ट भी नहीं लगते हैं। और अब बारी आती है इसे बुशी बनाने की। तो इसे बुशी बनाने के लिए इसका ये जो ऊपर टिप है इसे हटा देना है ऐसे। मैं आपको और दिखाती हूँ बड़े प्लांट पर। इसे गार्डनिंग टर्म में पिंचिंग कहते हैं। इससे होगा क्या, टिप पॉइंट पर ग्रोथ इन्हांस होगी और ज़्यादा लीफ का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो हो गई लीफ को बढ़ाने की बात, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर सिंगल स्टेम का प्लांट है तो इसकी स्टेम्स को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ से ऐसे हमें इस प्लांट को काट देना है। अब मुझे पता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है कि अपने प्लांट को पहले इतना बड़ा करके और फिर उसे काट दें। जब हम प्लांट को ऊपर से काट देते हैं ग्रोथ टिप से, तब वो चौड़ाई में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ब्रांचेस स्प्लिट होंगी और मल्टीप्लाई होंगी, तो हो सकता है कि यहाँ पर 2 या फिर 3 ब्रांचेस भी बन जाएँ। अगर आप इस तरीके से करी लीफ की केयर करते हैं तो आपका प्लांट भी मेरे प्लांट के जैसा हो जाएगा, बड़ा घना सा सुंदर। तो मैंने अपने एंड से सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा एंड आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और चलते चलते मैं आपको एक बात और बता दूँ, देखिए मेरा जो प्लांट है थोड़ा सा अनशेप जा रहा है, इधर से ज़्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से कम है, इधर से कम बढ़ रहा है, तो ये अनशेप्ड हो रहा है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़ा सा शेप में लाएंगे और इसकी कुछ टोपियरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो करी लीफ का नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।